सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी जो आप सभी के दिलों में बस रहा है आजकल। आप सभी को सोमवार 26 जुलाई को रोजाना 8 बजे की तरह आज फिर 8 बजे आपके पास सभी को सादर जय जिनेंद्र। जरा हट के बात करेंगे आपसे और थोड़ी काम की बात करेंगे। कहते हैं बहुत बहुत इच्छाएं लेकर आते हैं, मनोवांछित फल पाते हैं, भगवान ये मुराद पूरी कर दो, ये बात कर दो, वो कर दो, तो उनके लिए अंधेश्वर बाबा जी हमारे बस कहते हैं ऐसे ही कृपालु हैं। कहा जाता है अंधेश्वर पहाड़ी ऊपर होने कारण यहाँ के पारस बाबू अंधेश्वर पारसनाथ कहे जाते हैं। और यहाँ पर आचार्य श्री सुनील सागर जी का अब हो रहा है चतुर्मास। देखिए कितनी पब्लिक थी, जब आना था उससे 2 घंटे पहले चल दिए। बहुत ज्यादा वो हो रही थी, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, उमस भरी थी, ये 2 घंटे पहले ही विहार करने चल दिए। चले अकेले थे, रास्ते में कारवा बनता गया और जब पंडाल तक पहुंचे हजारों लोग यहाँ पर इकट्ठे थे। ऐसा होता है चमत्कार तपस्या का कि किसी को पता नहीं चलना पड़ता, कोई आमंत्रण पत्रिका नहीं, कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं, और जब कारवा चलता है तो कारवा बनता जाता है। और यही तो है अंधेश्वर पारस बाबा की कृपा। आचार्य जी तो ये कहते हैं यह पारसनाथ नहीं है, यह तो पारसमणि है, जो भी इनसे छूता है, जो भी आता है, इनसे खींचा चला जाता है। मैं भी यहाँ चतुर्मास नहीं कर रहा था, कह रहे थे चतुर्मास तो वहां होना था, लेकिन कुशलगढ़ वाले जैसे पारस प्रभु की तरह से मुझे यहाँ खींच कर ले आए। एक साधु तो ये तक कहते हैं कि यह तो वे लोग हैं जो दुल्हन को मंडप से उठाकर अपने पास ले आते हैं। बहुत कुछ कहा जाता है यहाँ के पारस बाबा को चमत्कृत कहा जाता है। 12वीं सदी के अंदर कहा जाता है कि यह प्रतिमा खेत से निकली थी, यहाँ की यह काले पाषाण की प्रतिमा, अद्भुत प्रतिमा, 14वीं सदी का मंदिर है जिसका अब जीर्णोद्धार होने के लिए कहते हैं आचार्य ऋषि कहते हैं शायद मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ, मुझे कोई मठ नहीं बनाना, मुझे तो आचार्य ऋषि ने कहा है कि यह अब मुझे इस पर कृपा बरसनी है, यहाँ पर यहाँ का जीर्णोद्धार होना है। और कहते हैं यहाँ पर जो भी आता है मनोवांछित फल पूरा करके जाता है। कहते हैं जल भरा श्रीफल लाते हैं, प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, मूल वेद की 9 परिक्रमा लगाते हैं और कहते हैं मनोवांछित फल पा जाते हैं। यहाँ पर जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं वह भी आए, जो वर्तमान के विधायक हैं उन्होंने भी आकर जैसे अपनी अर्जी लगा दी। उन्होंने कहा गुरुवर से, गुरुवर मैं साधु संतों के पास नहीं जाता हूं क्योंकि मेरी विचारधारा अलग है, स्पष्ट कहते हैं वो, मैं साधु संतों की पर आपको देखकर मैं आपसे खींचा चलाया हूं, जैसे 40 सालों से मैं यहां पारस बाबा से खींचा चलाता हूं। कहा जाता है कि अगर मनोकामना पूरी होती है तो गुरुवर मैं आपके सामने एक मनोकामना रखता हूं कि मेरे इस क्षेत्र के अंदर बारिश जो है यह बरखा नहीं बरस रही है, बादलों के लिए यह धरा तरस रही है, पूरे देश में कई जगह पूरे वेग से आ रही है, लोग कहते हैं बाढ़ आ रही है और यहाँ बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मेरी तो इतनी ही मनोकामना है आज गुरुवार कि मेरे भी इस क्षेत्र के अंदर, मेरे भी लोगों के अंदर यह मंगल कामना होकर बरस जाए। और विश्वास कीजिएगा पंडाल के अंदर की गई ये इच्छा उनकी 24 घंटे से पहले ही पूरी हो जाती है। रात में ही बादल उमड़ घुमड़ आते हैं और 24 घंटे से पहले खूब बरसती है बरखा। कहते हैं देव भी कृपा करने लगते हैं यहाँ पर पारस बाबू का, और कहते हैं तप त्यास्त का इस पारस बाबा का यही तो कमाल है, इन बाबा को देखकर हर कोई गदगद हो जाता है। जब भी आए अंधेश्वर बाबा के दर्शन करिएगा। पर क्या कहते हैं आचार्य श्री सुनील सागर इसके बारे में, कैसे कहाँ चतुर्मास था, यहाँ खिसते हुए आए और क्यों जीर्णोद्धार हो रहा है अब इसका, कहते हैं यहाँ पर सब कुछ वाह वाह होगा। बड़ा मानस्थम है यहाँ पर संगमरमर का जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर कांच का मंदिर भी है और पारस बाबा के तो कह नहीं क्या। सुने जरा आचार्य श्री से, ये पारसनाथ नहीं है, ये पारस मणि है, जिसको छू जाए, जो छू जाए वो पारस पत्थर, और जो छू जाए वो सोना बन जाए, सोना सोना। अंधेश्वर वालों ने बिल्कुल ऐसा किया और महाराज जी को वापस लेके आ गए। वो हसमुख भाई ने स्वीकार भी किया कि हमारी कोई, और सच्ची बात है किसी की दम से नहीं आए हैं, वो तो बाबा का बुलावा है। और पंचायत ने हमारे सामने पहले रखा, हमने कहा जरूरत क्या हमारी, क्योंकि हमें जहाँ चतुर्मास करना था वहां तक तो हम पहुंच ही गए थे। ये समझ लीजिए कुशलगढ़ वाले और ये वागड़ वाले लोग ऐसे हैं कि किसी के घर में से भी लूट के लाने भी। एक महाराज जी बोल रहे थे, पता नहीं उनको क्या सूझा, बोले अच्छे लोग हैं, है? मंडप में से दुल्हन लेके भाग गए।
लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं हुआ, हमें इन्होंने बाकायदा कहा 2008 में हम लोगों ने प्रस्ताव किया है कि विशाल मंदिर होना चाहिए और पूरी भावना है थोड़े दिनों में मुहूर्त आएगा कि भगवान के विशाल मंदिर का, पाषाण के मंदिर का शिलान्यास होगा। एक कारण, दूसरा कुशलगढ़ के एक मंदिर का जीर्णोद्धार, सागवाड़ा गए थे, हमें लगता कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि सुनील सागर जी आए हैं तो उनको कुछ लेके जाएंगे, अपने मठ के लिए लेके जाएंगे, हमें कुछ नहीं लगता है, लेकिन कहीं कोई चीज की आवश्यकता है, कहीं हमारे द्वारा कुछ अच्छा हो सकता है, किसी अच्छे काम में निमित्त बन सकते हैं, वहां हम जरूर पहुंच जाते हैं। और बहुत आग्रह रहता था 72 गांव में चतुर्मास होना चाहिए, 72 गांव में चतुर्मास होना चाहिए। हमने इस बार ऐसा निर्णय किया कि एक साथ 72 गांव में पड़ जाए। अंधेश्वर किसका है? जो माने सो उसका है, सबका है। और उसके बाद भी आग्रह होगा तब अपन फिर कुछ और सोचेंगे, बाकी अभी तो इस जंगल में आके मंगल हो रहा है। और आप देखिए, जब आप किसी काम को चलने करने के लिए चलते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, जब आप सही दिशा में चलते हैं, तो देवता भी सहयोगी बन जाते हैं। सबका आग्रह रहा, मुख्यमंत्री से लेके नेता प्रतिपक्ष का, अब गुलाब चंद कटारिया सीपुर आके के जयपुर नहीं जा रहे तो उदयपुर आ जाओ। लेकिन हमको क्या पता था कि भागड़ वाले, मतलब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कहिए रहा, भक्ति तो है ही, लेकिन प्रभु के जनालय का पूर्ण जीर्ण था। हमें ऐसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर हजार हजार साल के लिए भगवान का मंदिर खड़ा हो जाए तो उसमें एक चतुर्मास समा जाए तो हम समझते हैं कि अच्छा ही है। और ऐसे ही आप लोगों का समय धर्म ध्यान में जाए, संपत्ति धर्म ध्यान में जाए, अच्छा ही तो है।